तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ कंडीशन आइडेंटिटीज में, देयर इज अ प्री डिफाइंड मेथड, जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उसको फॉलो करने का, वो कंप्लीटली आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। और ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये कंडीशनल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है ना। कंडीशनल आइडेंटिटीज भी बोलते हैं और कोई कोई इसको स्पेशल आइडेंटिटीज भी बोलता है, ठीक है, राइट। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बताता हूँ कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज या पाई बोल दो, देन प्रूव दैट साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, राइट। ये पूरा पेज जाएगा उसमें, ठीक है, बुक है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये प्रूफ से भी हम सिर्फ एक बोर्ड पे ये प्रूफ करेंगे, ठीक है, बट देन यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, ओके, राइट। अब देखो, राइट, अच्छा मैं इसको कंडीशनल आइडेंटिटीज क्यों बोल रहा ना, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, बट उसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ इधर, जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली एंड रिमेम्बर, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। इसको कंडीशनल आइडेंटिटीज जिसका नाम क्यों दिया गया है ना, वो पहले समझो, ठीक है। वॉट इज द मी, हाँ सर, टू कॉमन ना, क्या टू कॉमन बोलो, समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, रेज योर हैंड इफ यू वांट टू अनम्यूट योर माइक। अब यार क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है आपका, SKIIST 261, मानस यार, मानस मतलब आप थोड़ा मतलब कई कुछ और ही मतलब ये कर रहे हो यार, क्या आप दोनों ये टू साइन टू है, एंगल में टू है, बाहर कैसे ले सकते हो कॉमन, साइन क्या यार, मतलब कुछ तो रिवाइज करके आओ अभी तक, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट रिवाइज, यू आस्क डाउट्स, नो प्रॉब्लम, बट डोंट आस्क ऐसे डाउट्स के मतलब जैसे आपने कुछ रिवाइज ही करके नहीं आया और ऐसे ही बैठ गए, ठीक है, राइट। तो मेक श्योर यू रिवाइज एवरीथिंग एंड देन आस्क डाउट्स, देन डाउट्स का लेवल भी बढ़ जाता है। देखो अभी ध्यान दो इस पर, ठीक है, राइट। इसको कंडीशनल आइडेंटिटी, ये क्या टू कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें से, ऑफकोर्स नहीं ना यार, साइन के अंदर है ना वो, साइन के अंदर से कुछ बाहर ही नहीं आता, ठीक है, वन सेकेंड, ओके, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। इसको कंडीशनल आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, यस बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दैट वन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंडीशनल आइडेंटिटी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कुछ ऐसे आइडेंटिटीज बताता हूँ जो अनकंडीशनल आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली जो आइडेंटिटी है ना ये अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल का मतलब समझता है, अनकंडीशनल का मतलब इट इज ऑलवेज ट्रू, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ट्रू होने के लिए, कोई भी एंगल पुट करोगे ना इधर 30, 40, 60, 70, 80, 180 कुछ भी पुट कर दो, हमेशा वन ही आएगा, है ना, अनकंडीशनल आइडेंटिटीज, नो कंडीशन अप्लाई, ठीक है। अगर जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, इसको भी अनकंडीशनल बोलते हैं, ये हमेशा ट्रू होती है, एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू दो ले लो, है ना, रियल इमेजिनरी भी ले लेंगे तो भी ट्रू होती है, इनफैक्ट ये तो अब कोई भी वैल्यू ले लोगे ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी टू नंबर्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, राइट। तो दीज आर कंडीशनल आइडेंटिटीज, बट कुछ कुछ आइडेंटिटीज जो होती है ना वो अनकंडीशनल होती है, मतलब सॉरी कंडीशनल होती है, मतलब वो कब ट्रू होती है, जब कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ चीजें फॉलो होगी तभी, अंडर सर्टन कंडीशन ओनली इट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज नॉट। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमने ऐसा कुछ पढ़ चुका है पहले, याद करो हमने ये किया है कि a प्लस b की वैल्यू अगर 45 डिग्रीज है, दो एंगल का एडिशन अगर 45 डिग्रीज आता है तो ये होता है ना आपके 1 प्लस tan a into 1 प्लस tan b की वैल्यू 2 आती है, याद करो ये, राइट। अभी ये हमने ऐसा सोचा है क्या कि 1 प्लस tan a into 1 प्लस tan b क्या हमेशा 2 आता है क्या, नहीं ना, अगर ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो ही ये वैल्यू 2 आती है, करेक्ट ना, right, so that is what it is, this is also a conditional identity also, you can say it, of course you can say it's a conditional identity, hai na, but abhi hum jo padh rahe na wo thode alag type ke hai na, now what is the conditional identity here is a plus b plus c, agar teen angles ka sum agar 180 degrees hai, teen angles ka sum 180 degrees hai, so sin 2a plus sin 2b plus sin 2c inka jo sum hoga wo 4 sin a sin b sin c ke barabar hoga, you have to prove this. And I will say that you have to remember this as well. वो मैं बात की बात है, वो क्या क्या याद रखना, कैसे याद रखना, वो बात की बात है. But you have to prove that sign ऐसा हो रहा है.
Now guys, just look at the nature of the question. I'm just saying कि आप इस question का nature देखो और actually मुझे बताओ left to right क्या हो रहा है. What is actually happening left to right? Please type. What is happening left to right? बोलो. Factorization. Very good. Can everyone understand this? कि factorization हो रहा है. But yes, fine. But आप ये सोचो कि factorization तीन quantities का हो रहा है. अब तक हमें सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी को, मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, बट तीन क्वांटिटी का फैक्टराइजेशन है ना, ये साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, तीन साइन का फैक्टराइजेशन. ये अब तक पढ़ा है क्या? ये अब तक पढ़ा है क्या? नहीं है ना. वी हैव नॉट स्टडी तीन चीजों का फैक्टराइजेशन. अब सुनो कैसे करना है, सुनो ठीक है. राइट, तो इसमें जैसे ही थॉट प्रोसेस आया ना, ये कि थ्री थिंग्स का फैक्टराइजेशन आ गया ना, तीन चीजों का फैक्टराइजेशन आ गया ना ट्रिगो में, ऑफ कोर्स अलजेब्रा में नहीं, तो क्या करना होता है? तो फैक्टराइज एनी टू, फैक्टराइज एनी टू एंड देन कन्वर्ट थर्ड इनटू हाफ एंगल अकॉर्डिंगली. Convert the third into half angle accordingly. है ना? Right. इसमें ये है और इसमें ये लिखना keep using चलो a plus b plus c is equal to 180 degree. Basically जो condition given है ना उसको use करते रहने का, जहां use होता है use करने का. ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ, अब इसमें से कुछ नहीं समझेगा. राइट, लेकिन इसमें पहला लाइन क्या बोला है कि टू अगर आपको फैक्टराइज, अगर हाँ चलो बराबर, ये अगर तीन चीजों का फैक्टराइजेशन अगर आपके पास आ गया ट्रिगो में, तो क्या करना होता है? फैक्टराइज एनी टू, किसी दो को पर फैक्टराइज कर, क्योंकि उतना ही आता है हमको, एंड देन द कन्वर्ट द थर्ड इनटू हाफ एंगल अकॉर्डिंगली. हाफ एंगल का काम बाद में, पहले देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पकड़ के फैक्टराइज करता हूँ, चलेगा क्या? है ना, साइन सी प्लस साइन डी. तो कैन यू गाइस टेल मी, इसको मैं सी और इसको डी बोलूं तो क्या आ जाएगा? टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाय टू. सी प्लस डी बाय टू तो ए प्लस बी हो जाएगा ना, और कॉस के अंदर क्या आएगा? सी माइनस डी बाय टू, यानी ए माइनस बी आएगा. यहां तक किसी को डाउट है क्या? मैं सिर्फ एल एच एस कर रहा हूँ, ठीक है. एल एच एस प्लस साइन ऑफ टू सी, यहां तक किसी को एनी डाउट? एनी डाउट एनीवन अप टिल हियर? अच्छा, इज एनीवन फेसिंग वीडियो इश्यूज, लैग, वॉइस, ऑडियो? नो नो, यस फाइन, ठीक है. शायद सुमित आपको ही हो रहा है, ठीक है. देवर्षि, मैंने एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ साइन सी प्लस साइन डी लगाने बोला बस, ठीक है. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया हो, मैंने यहाँ लिखा हो कि इसको फॉलो करो. इसको फॉलो करो मतलब क्या? किसी भी दो को पकड़ के फैक्टराइज करो, इसको सी और इसको डी मान लो. तो साइन सी प्लस साइन डी इज टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाय टू. सी प्लस डी बाय टू यानी ए प्लस बी हो जाएगा ना यार, देख लो, टू ए प्लस टू बी बाय टू. और कॉस ऑफ सी माइनस डी यानी कि कितना हुआ ये? टू ए माइनस टू बी बाय टू यानी ए माइनस बी, टू टू तो कट जाएगा. मैंने सिर्फ फैक्टराइज किया दो को पकड़ के. अच्छा ओके, दो को पकड़ के फैक्टराइज किया, ठीक है. और भाई तीसरे कुछ मत करो, तीसरे को एज इट इज रहने दो अभी फिलहाल. उसके बाद मैंने लिखा क्या हो? एंड देन कन्वर्ट थर्ड इनटू हाफ एंगल, मतलब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है अभी नहीं, जस्ट वेट. इतना ठीक है? राइट, अब सुनो सुनो इसको अच्छे से. जहां आपको ए प्लस बी मिल गया ना, उसको 180 माइनस सी लिख दो. समझ में आ रहा है क्या? वह ए प्लस बी को मैं अगर 180 माइनस सी नहीं लिख सकता क्या? ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ. तो मुझे बताओ ये लिख, ये नहीं हो जाएगा टू साइन ऑफ 180 माइनस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ टू सी. इतना समझ में आ रहा है? राइट, यहाँ 180 ए प्लस बी आ गया ना, खत्म, उसको 180 है. राइट ओके, व्हाट इज साइन 180 माइनस सी? प्लीज टाइप फास्ट, व्हाट इज साइन 180 माइनस सी? Yes, sin 180 minus theta, sin theta ही होता है, तो इसको मैं डायरेक्टली sin c लिख सकता हूँ. टू sin c लिख लूंगा और cos of a minus b लिखूंगा और प्लस sin of 2c. इतना क्लियर है?
ना, ये प्रोसेस हमेशा करना पड़ता है। इसके तीन चार टाइप के क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको, बट दिस इज अ प्रोसेस दैट यू हैव टू डू ऑलवेज, लाइक रियली ऑलवेज, ये हमेशा करना होता है आपको, ठीक है? राइट, इतना कि आपको दो को फैक्टराइज करोगे ना तो उसमें ए प्लस बी मिलेगा, और ए प्लस बी को आपको पुट करना पड़ेगा 180 माइनस सी, है ना? तो इतना हो गया। उसके बाद आप तीसरे को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। तीसरा क्या है? साइन टू सी। प्लीज स्टार्ट टाइपिंग। यस लक्ष्मी, वेरी नाइस। साइन टू सी को हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, एंड देन कन्वर्ट द थर्ड इनटू हाफ एंगल अकॉर्डिंगली। कहना है वो अकॉर्डिंगली का मतलब अभी नहीं समझेगा, बाद में बताऊंगा। कहना है नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पे उसका काम नहीं। तो टू साइन सी एज इट इज है, और कॉस क्या है? कॉस लिखते हैं, कॉस 180 माइनस ए माइनस बी है, ए माइनस बी, ए माइनस बी को कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? राइट, और ये क्या बन गया बोलो? टू साइन सी इंटू कॉस ऑफ सी। करेक्ट गाइस, बोलो करेक्ट, राइट। अब मैं इसमें से और इसमें से साइन सी कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं? टू साइन सी, तो कैन आई जस्ट टेक टू साइन सी कॉमन फ्रॉम दीज टू, एंड ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ सी, ठीक है? यहां तक तो कुछ भी नहीं किया। यस हर्ष, वेरी नाइस, है ना? राइट, यहां तक कुछ नहीं किया। अब क्या करना है ना, बस आपको सी गाइज देखो, इसमें से टू और साइन सी तो आ गया है, बस मुझे टू साइन ए साइन बी निकालना है ना? तो दिस शुड बी कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, राइट? सोचो, है क्या? नहीं, जितना प्रूफ करना था उसमें से साइन सी तो आ गया, नंबर तो छोड़ दो, तो साइन ए और साइन बी बचाना, साइन बी और साइन ए और साइन बी का मल्टीप्लीकेशन बचाना, तो ये वाला पार्ट साइन ए इंटू साइन बी आना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें ए और बी ही बचना चाहिए ना? तो हम क्या करेंगे अभी बोलो? अब हम सी को लिखेंगे 180 माइनस दिस। समझ में आ रहा है? राइट, तो देखो इसके बाद स्टेप जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, नेक्स्ट स्टेप पे लिखता हूँ प्लस कॉस ऑफ सी को मैं लिखूंगा 180 माइनस ये वाला टर्म, है ना? कॉस ऑफ 180 माइनस ए प्लस बी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो गाइस, समझ में आया? ऐसा क्यों किया? अब क्यों किया वो भी सोचो, क्योंकि मैं मुझे ये टू साइन सी मिल चुका है, मुझे ये जनरेट करना है, मतलब ए और बी के टर्म्स में जनरेट करना है, तो मतलब इतने पार्ट में सिर्फ ए और बी होना चाहिए बस, है ना? तो मैंने वही रीजन से मैंने कर दिया है, टू साइन सी तो आ गया है, अंदर कॉस ऑफ ए माइनस बी है, ये तो कब से ऐसे ही चला है। ओके, व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो कैन आई जस्ट नॉट राइट दिस एज माइनस कॉस थीटा? बोलो गाइस, यहां तक एकदम कहानी क्लियर है? एकदम क्लियर है कहानी यहां तक? बोलो, कुछ भी नहीं किया है ना, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, बस आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं ऐसे अच्छे से डिटेल में, ताकि एक बार आप देख लो, उसके बाद आप बहुत सारे स्टेप स्किप कर सकते हैं, है ना? अब आपको चाहिए तो वापस cos c माइनस cos d लगाओ, या फिर आप डायरेक्टली इसके बिल्कुल, है ना? ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला का भी प्रूफ है, या फिर इसके ब्रैकेट एक्सपैंड कर दो ना, खत्म कर दो इसका, इसको कंपाउंड एंगल से एक्सपैंड कर दो, टू साइन सी इंटू, इसको कंपाउंड एंगल से एक्सपैंड कर देगा तो क्या होगा मालूम? cos a cos b प्लस sin a sin b, और ये cos a cos b cos cos कट गया, इसका माइनस sin a sin b वो माइनस से मल्टीप्लाई करके एक और प्लस sin a sin b आ गया, तो ये हो जाएगा 2 sin a sin b। गाइस इज दिस क्लियर? कंपाउंड एंगल बेस्ट होगा इसमें, है ना? बेस्ट होगा कंपाउंड एंगल, है ना? तो व्हिच इज इक्वल टू 2 into 2 4 है, और sin a भी है और sin b भी है और sin c भी है, तो मल्टीप्लिकेशन में रीअरेंज कर सकते हैं। ये आ गया RHS 10 प्रूफ। क्लियर गाइस, है ना? राइट, इट इज वेरी इजी है, एकदम इस प्रोसेस को रट लो, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस प्रोसेस को ना रट लो। कैसे? क्या है ना, सिंपल सी बात है, क्या है ना, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू, तीन चीजों को जब फैक्टराइज कर दे रहा अंडर सम कंडीशन, तो दो को पकड़ के फैक्टराइज करो, किसको? सिर्फ दो को। जैसे दो को पकड़ के आप फैक्टराइज करोगे ना, तो ये आएगा टू साइन दिस प्लस दिस बाय टू दिस माइनस दिस बाय टू। ओके फाइन, तीसरे को कुछ मत छेड़ना अभी, है ना? जैसे ये ए प्लस बी आएगा श्योरली, और फिर उसको आप 180 माइनस सी लिख देना, और फिर अप्लाई करना साइन 180 माइनस सी, जो भी होता है वो लिख लेना, साइन सी होता है, लिख दिया, है ना? राइट, अब जाके इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, साइन टू सी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है टू साइन सी कॉस सी, टू साइन सी कॉमन लेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे अच्छा ये ब्रैकेट जो है ना वो ये बन रहा होगा साइन ए साइन बी, क्योंकि साइन सी तो आ चुका है,
अब ये ब्रैकेट अगर बन रहा है ऐसा तो इसका मतलब वो सी को हटाना है, सी को नहीं रखना है। सी का ए प्लस बी में रिलेशन है, सी इज 180 माइनस ए प्लस बी, और ये आ गया माइनस कॉस ए प्लस बी। कंपाउंड एंगल से इसको खोला उसको खोला, आपको चाहिए तो वो स्टेप भी कर लो। कंपाउंड एंगल से इसको मैंने एक्सपांड किया उसको एक्सपांड किया, तो कॉस कॉस कट गया, साइन साइन ऐड हो गया, विद पॉजिटिव है ना। तो सिंपल, एकदम सिंपल स्टेप है ना ये, राइट? बट जस्ट इमेजिन गाइस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू ऑल आर हैंडलिंग राइट नाउ। जस्ट इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम यू ऑल आर हैंडलिंग। आप इस एक ट्राइंगल में ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो अगर ए बी है ना, राइट? अच्छा सुनो, ये जो 180 की जो कंडीशन है ना, ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्रीज, उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इज देयर एनीवन एक्सपीरियंसिंग लैग और ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम? बोलो नो, फाइन। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है गाइज, इन ट्राइंगल ए बी सी इज द सेम थिंग। Everyone is convinced कि यार a plus b plus c 180 बोल दो या a plus b को ट्राइंगल बना दो, एक ही बात है ना। तो ये आप सोचो आप कौन से कैसा क्वेश्चन हैंडल कर रहे हो। आपको ना आपकी नॉलेज से आपने ये प्रूफ कर दिया क्या कि किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल साइन ऑफ ट्राइस प्लस साइन इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c। एक महीने पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, एक दो महीने पहले व्हाटएवर जो भी अप्रैल, कि ये क्वेश्चन आप इजिली इतना इजिली हैंडल कर पाओगे। बट राइट नाउ यस यू कैन, राइट? बट प्रोसेस इज वेरी स्टैंडर्ड ना गाइस। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रोसेस को एकदम अच्छे से याद कर लो कि ये ऐसा ही होता है एकदम। तो लेट मी सेंड यू द फोटो फर्स्ट। ओके चलो, ओके तो यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको, एकदम सेम टू सेम, ठीक है? एग्जैक्टली सेम प्रोसेस फॉलो करना है एंड यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? यू हैव टू फर्स्ट रियलाइज कि अरे यहाँ पे तीन चीजें, तीन ट्रिकों की चीजें फैक्टराइज हो रही है, तो उसके लिए हमें दो को फैक्टराइज करना है और तीसरे को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली का मतलब मैं आपको अभी ये क्वेश्चन में या आके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा अकॉर्डिंगली मैंने क्यों लिखा था, ठीक है? राइट? और मैं ये क्यों बोलता हूँ कि हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तीसरे को, उसके लिए थोड़ा रुक जाओ, मतलब लास्ट में करो, मतलब वो वन ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद लास्ट में करना, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना? बट जस्ट सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है? जैसे जैसे एक क्वेश्चन, जस्ट डू दिस। Question is, if A plus B plus C is equal to 90 degrees, then prove that cos of 2A plus cos of 2B plus cos of 2C is equal to 1 plus 4 times sin A sin b sin c। just forget about that one, is one ke bare mein socho, hai na, chodo, hai na। ha bas basically theek hai, lhs deke bhi rhs pe pahunch sakte ho, correct? but theek hai, aap sirf one wo chodo, ye hai aapke pura question। to aapko dikh raha hai na ki ye jo hai wo factorize hoke ye aa raha hai, matlab complete factorization nahi hai but idea to lag raha hai na ki yahi karna hai। just do this within 2-3 minutes, you should be able to do now।
चलो हो क्या डन, वेरी नाइस, चलो ग्रेट, काफी लंबा हो गया तो कुछ नहीं, दो को पकड़ो फैक्टराइज करो, है ना, ये तो cos 2a plus cos c plus cos d is 2 cos of c plus d by 2, देखता कैसा फटाफट होगा, c plus d by 2 a plus b हो जाएगा into cos of c minus d by 2 a minus b होगा और plus cos of 2 c। गाइस अब सुनो अकॉर्डिंगली का मतलब, अकॉर्डिंगली का मतलब क्या है, मैंने क्यों लिखा था अकॉर्डिंगली, ये देखो, बिकॉज ये दिख रहा है आपको कि cos 2c को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए तीन तरीके होते हैं ना, है ना, ये राइट। अब क्या है कि कौन सा यूज करें नहीं पता, है ना, ये अब देखो, तो ये जो बनेगा ना ये, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, यस, है ना, यस 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 करेक्ट। तो देखो अब क्या करेंगे, इसको देखना, cos of a plus b को क्या लिखेंगे हम, 90 minus c, तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin c नहीं बन जाएगा, अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज टेल मी राइट नाउ, हाथ हाथ रेस करके जो भी है पूछ लो, है ना, है राइट, यस, है ना, है, क्योंकि ये 2 sin c बनेगा। अच्छा ये अगर ही cos c बनता ना तो मैं यहाँ पे इसको हाफ एंगल में cos में कन्वर्ट करता, बट यहाँ पे क्या बना है 2 sin c, तो मैं अब इसको क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में, हाफ एंगल के sin के टर्म्स में लिखूंगा, समझाए, तो 2 sin c into cos of a minus b plus 1 minus 2 sin square c। अब मैं इसमें से और इसमें से sin c कॉमन लेता हूँ, 2 sin c कॉमन ले लो, बेस्ट है, 2 sin c कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, cos of a minus b बचा प्लस, सॉरी माइनस, माइनस sin c बच गया और एक प्लस 1 भी बच गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो एकदम स्टैंडर्ड सी चीज है, ये मुझे साइन सी तो आ गया है ना, साइन सी, अब ए और बी चाहिए, ये तो आपको सी नहीं चाहिए, तो सी को आपको वापस से सी को क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस ए प्लस बी, है ना, है, तो 2 times, हाँ, 2 times साइन सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ 90 माइनस ए प्लस बी, वो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस ऑफ ए प्लस बी, यस और नो गाइस, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी, प्लस 1 है कि नहीं, है ना, नहीं फर्स्ट और सेकंड जरूरी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और सेकंड कुछ भी कर सकते हो ग्रुप, कोई जरूरी नहीं है, आंसर सेम ही आएगा इन द एंड। सी को मैंने 90 माइनस समथिंग लिखा, तो साइन 90 माइनस दैट थिंग इज कॉस ऑफ दैट थिंग ए प्लस बी था, ओके, एनीवेज ये हो गया। उसके बाद इसको एक्सपेंड करोगे, इसको एक्सपेंड करेंगे आ जाएगा ये 4 साइन ए साइन बी साइन सी प्लस 1, डन, वी आर डन विद द प्रूफ, सही है कि नहीं, राइट। तो ये कंडीशनल आइडेंटिटी का ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, एक और क्वेश्चन देता हूँ वो भी कर लो अभी सॉल्व, जस्ट अ सेकंड, यस, ये दे रहा हूँ उसको फटाफट सॉल्व कर लो अभी। इन ट्राइंगल एबीसी प्रूव दैट, चलो लिख लेता हूँ, प्रूव दैट कॉस ए, इस पे टफ क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़ा सा, अभी ये देख लो, एक प्लस कॉस बी प्लस कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू 1 प्लस, बहुत सिमिलर लगेगा लेकिन है नहीं, बट ठीक है, इसको अलग अलग, इसको हाँ, 1 plus 4 टाइम्स साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू, या चलो ऐसा कर लो, ठीक है, इस पर मैं ऑब्जेक्टिव मेथड का क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है, राइट, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस 1 अपॉन साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू की फाइंड द वैल्यू। ऑफकोर्स आपने देख ही लिया होगा क्या वैल्यू है, बट प्रूफ करो, है ना, आंसर आपने देख लिया होगा, बट ठीक है, हाँ, है ना, नहीं सेम नहीं है यार, देखो ये यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, और यहाँ पे ए है, इसको हाफ कर रहे हो तो वहां पे डबल नहीं हो रहा है, हाँ, बट ठीक है, चलो ऑलमोस्ट सेम है, यस, है ना, राइट, बट जस्ट प्रूव दिस, है ना, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, थोड़ा सेम ही है एक्चुअली, बट जस्ट प्रूव दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्या है ना, इसका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, समझ में आ रहा है, इसका क्वेश्चन जो है ना,
ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, इसमें वैल्यू बताओ, चार ऑप्शन रह गए है ना, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो डोंट एवर से कि प्रूव दैट का क्वेश्चन कैसा आ सकता है। डू दिस बाय ऑन, इसको सॉल्व करो, फिर इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पर इतना आना चाहिए। चलो कर ले इसको सॉल्व, ठीक है। यस द आंसर इज 4, बट आ गया होगा ना सबको, ठीक है। कैन वी होल्ड द इक्वेशन इक्वल टू सम वेरिएबल एंड देन सॉल्व? नहीं 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 ऐसा नहीं है ना, आपको सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करना है ना, राइट। मैं ना अभी क्या करूंगा, देखो मैंने इन दोनों को फैक्टराइज करूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, कॉस प्लस कॉस, टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू आ जाएगा, है ना। कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी, नथिंग बट टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, फाइन। प्लस कॉस ऑफ सी माइनस वन, कुछ मत करो है ना, ये अपॉन, अच्छा एक काम करता हूँ, ये अपॉन जो चीज है ना उसको मैं अलग बाद में लिखता हूँ, है ना, राइट। अपॉन डिनोमिनेटर ऐसा लिख देता हूँ, है ना, साइड में, अपॉन डिनोमिनेटर, समझ में आ रहा है ना डिनोमिनेटर क्या है, 10 बार लिखने का मूड नहीं है, है? देखो तो ऐसा, अब ए प्लस बी बाई टू है ना, अब मुझे बताओ ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल में तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री यूज होता है, क्योंकि ट्राइंगल है, राइट। तो अच्छा अब क्या करेंगे, क्योंकि सब कुछ ए प्लस बी बाई टू में आ रहा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई टू और बाई टू करेंगे तो 90 डिग्रीज होगा, तो मुझे बताओ कि ए प्लस बी बाई टू 90 माइनस सी बाई टू नहीं हो जाएगा? प्रूफ करना इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने में अब देखो है ना सेम क्वेश्चन लग रहा है, बट प्रूफ करो ना अच्छे से, है ना।
a plus b by 2 जो है 90 माइनस सी बाई टू होगा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस सी बाई टू क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, एंड हेंस वी विल राइट दिस कॉस एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर. इससे फायदा एक ये भी हुआ कि 1 भी कट गया, और ये इसमें से 2 साइन सी बाई टू एंड 2 साइन सी बाई टू कॉमन लिया जा सकता है, एकदम सेम बन गया आपके तो, है ना. अंदर आ जाएगा cos of a minus b by 2 minus sin of c by 2 the whole upon denominator. ये तो है ही, okay, right. अभी अब बात वही हो गई, हमें c by 2 लिखना है. c by 2 को क्या लिखूंगा guys, बोलो. c by 2 को 90 minus this a plus b by 2, है ना, 90 minus this लिखूंगा मैं. तो वो जो c by 2 था इधर नहीं, ये वाला. ओके, नाउ साइन c by 2 को मैं साइन 90 माइनस a प्लस b by 2 लिखूंगा, तो 90 माइनस करूंगा तो कॉस हो जाएगा वो, कॉस a प्लस b by 2, वही अपॉन डिनोमिनेटर इज देयर ऑलवेज. बात अभी क्या करोगे, a by 2 माइनस b by 2 और a by 2 प्लस b by 2 उसको करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 साइन c by 2 एक्सपांड करो कंपाउंड एंगल से, है ना. तो ये cos a by 2 cos b by 2 minus plus sin a, तो इससे आ जाएगा 2 sin b by 2 sin c by 2 sorry a by 2 और upon नीचे आपके पास 4 sin a by 2. अब denominator को denominator नहीं लिख लेता अच्छे से, है ना. तो इससे क्या हो गया, है ना. अच्छा नीचे 4 नहीं था, denominator में 4 नहीं था, तो sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 सब कुछ कट गया और आंसर आ गया 2 into 2 which is 4. So then you can clearly mark the answer. Clear guys? इसके basis पे अभी कुछ कुछ अच्छे अच्छे questions कर लेते हैं और क्या. Just a second. यस अर्पित बोलो, क्या डाउट है अर्पित सर. बोलो सर, आपने सेकंड स्टेप में लिखा है कॉस ए माइनस बी बाई टू, उसके बदले कॉस बी माइनस ए बाई टू भी तो हो सकता है ना. हमको नहीं पता कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे. ए माइनस और बी माइनस ए दोनों सेम नहीं होते क्या कॉस के अंदर. अच्छा हाँ यस सर, हाँ ठीक है. देखो वही तो बात हो गई ना कि कुछ लोग आगे बढ़ते कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं ना. अभी तो एक चैप्टर है गाइस, एक चैप्टर में आप लोग को आप लोग की क्लास में इतना डिफरेंस लगेगा, लेकिन वो तो बहुत इजीली कवर हो जाएगा. मतलब आप कोई और मेहनत ज्यादा कर ले आगे बढ़ सकता है, बट जब 10-5-7 चैप्टर हो गए और फिर डिफरेंस रह गया ना हर चैप्टर में ऐसा, तो फिर तो जो क्लास में आगे बढ़ गया उसको उससे पीछे वालों को कम्पीट करना इम्पॉसिबल हो जाता है. एक साल हो गया खत्म, उसके बाद तो डिसाइड ही हो गया किसका होने वाला है किसका नहीं होने वाला है, बस रैंक्स में ऊपर नीचे होता है बस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग गाइस, कि स्टार्ट से एकदम हो गया ना. अभी अभी तो एक चैप्टर है, और अभी क्या होता है ना पहले लेक्चर में तो आपको मैं आके भाषण देता हूँ कि देखो ऐसा करना होता है, पर आपको समझता कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक्साइटेड फील होता है या मोटिवेटेड फील होता है कि यस जेईई की प्रिपरेशन में इतना कुछ करना है, यू फील वेरी मोटिवेटेड. बट एक चैप्टर होने के बाद आपको प्रूफ मिल जाता है कि आपने किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा, है ना. राइट, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधी सी बात है यार, देखो ये सब चीजें स्टार्टिंग में चीजें जो डाउट्स आ रहे ना वो बहुत जेन्युइन डाउट्स है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आप इसको ओवरकम करो. जितना जल्दी आप इस ये आप बेसिक डाउट से ऊपर आओगे ना तो यू विल बी एबल टू आस्क मी टफ डाउट्स, है ना. राइट, सही बात है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन पूछो नहीं है, ऐसा नहीं पूछना चाहिए, बट कीप रिवाइजिंग एंड अपग्रेड योर लेवल.
नेक्स्ट हाँ चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ. कौन सा दूँ? इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन सॉरी कॉस ऑफ ए अपॉन साइन बी साइन सी प्लस कॉस ऑफ बी अपॉन साइन सी इंटू साइन ए प्लस कॉस ऑफ सी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी. किसी भी ट्राइंगल में इस टर्म की वैल्यू बताओ. इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. दिस इज क्वेश्चन नंबर वट एवर एंड दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन. नेक्स्ट Yes, the first answer is 2. Second is a challenging question. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. और मैं इसका रिजल्ट याद कराने वाला हूं. मैं बोलने वाला हूं कि इसको रट लो. ठीक है? राइट. नाउ लुक एट द प्रॉब्लम का टाइप. व्हाट टाइप ऑफ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम यू आर एबल टू हैंडल ओनली यूजिंग फैक्टराइजेशन. फर्स्ट का आंसर 1 नहीं है, 2 है. 2 द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज 2. करें सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. बहुत इजी है. क्या करना है बोलो. है ना? क्या करूं? देखो साइन बी साइन सी. साइन सी है ना? जस्ट टेक समथिंग विच इज कॉमन डिनोमिनेटर. एलसीएम है ना? राइट. इन सब का एलसीएम ये नहीं होगा गाइस, मुझे बोलो. साइन ए साइन बी और साइन सी होगा एलसीएम. इतना समझ में आ रहा है सबको? इन सबका एलसीएम यही होगा ना, साइन ए साइन बी साइन सी. नाउ लिसन ना गाइस, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी. अब इसमें बी और सी है, साइन ए साइन बी है, तो इन दोनों इसको ये ऊपर क्या आ जाएगा, इसका ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस इधर बी साइन बी मिसिंग था तो ऊपर भी आपको क्या आ जाएगा, साइन बी इंटू कॉस बी प्लस साइन सी इंटू कॉस ऑफ सी. है ना? तो बेसिकली या तो ऐसा बोल दो या तो ऐसा बोल दो कि मैंने यहाँ पे साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ऊपर तो ये बन गया, नीचे साइन ए भी साइन ए साइन बी साइन सी बन गया. फिर इसको भी साइन ए साइन बी साइन सी बनाने के लिए साइन बी से मल्टीप्लाई कर दिया. है ना? वैसा फिर तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऐड कर दिया. गाइस क्लियर? अब क्या करूं? नाउ व्हाट डू आई डू? टेल मी फास्ट. Yes, very good, very good. Multiply, divide by 2. ये सब जिन जिन को strike हो रहा है आगे बढ़ चुके हैं already, है ना? Right? Multiply, divide. अरे नहीं, कहाँ से? ये क्या? दो बार दो चीजों को कैसे factorize करोगे? है ना? Multiply, divide by 2 तो करोगे पहले. जिसको strike नहीं हुआ आप लोग फिर से notes revise करो, फिर से level upgrade करो. अरे दिख रहा है ना sine into cos, जहाँ भी sine और cos दिखता है same angle. अच्छा afterwards, ठीक. तो क्या करोगे? ये हो जाएगा साइन टू ए, ये हो जाएगा साइन टू बी, ये हो जाएगा साइन टू सी. ये हो जाएगा हाफ ऑफ साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी द होल अपॉन साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन ऑफ सी. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अब मुझे बताओ
इसके बाद फैक्टराइजेशन स्टार्ट करोगे कि ये, लेकिन ये क्या क्वेश्चन नंबर वन नहीं था क्या आज का? ये आपका क्वेश्चन नंबर वन नहीं था? यस, और वो याद करो क्वेश्चन नंबर वन इन ट्राइंगल एबीसी, मैं आपको दो चीजें याद करवाऊंगा, एक तो ये है ना, राइट? तो हम इस चीज को रट लेंगे अभी कि इन ट्राइंगल एबीसी साइन ऑफ टू ए प्लस साइन ऑफ टू बी प्लस साइन ऑफ टू सी की वैल्यू होती है 4 साइन ए साइन बी साइन सी. तो इसको मैं लिखूंगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी, तो साइन ए साइन बी साइन सी तो कट जाएगा और 4 बचेगा और हाफ है, तो आंसर इज 2. इट्स बेटर इफ यू रिमेम्बर दिस, याद हो रहा है तो अच्छी बात है. गुड क्वेश्चन, चैलेंजिंग वन. ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी. इसकी जो वैल्यू आएंगी उसको याद करना है आपको. यस ऋग्वेद, करेक्ट. यस पूर्णा, करेक्ट. कर लो जस्ट 5 मिनट्स एंड सॉल्व, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन. यस पूर्णा, करेक्ट. श्रेयांश नहीं, सेकेंड का आंसर आ गया ना, ऋग्वेद या पूर्णा, एनीवन हु वांट्स टू से के कैसे किया आपने. ओके ठीक है, पीपल आर सेइंग वेट, आई विल वेट फॉर 2 मोर मिनट्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन.
यस चलो नहीं, अरे ये होल स्क्वायर नहीं होगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी तो होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी आता है, अच्छा ए बी सी नहीं आता। यस बहुत लोगों का टू भी आया, सॉरी वन वन आंसर, वन इज द राइट आंसर। यस मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट श्रेयाश, ऋकुवेद, पूर्णा करेक्ट, सत्रिया, शेष, रावि करेक्ट। चलो गुड, रावि का बहुत, रावि हैज गिवन आंसर आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके रावि यू टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड, टेल मी कैसा किया है क्वेश्चन को, बोलो। रावि जस्ट रेज योर हैंड, बोलो। अच्छा ठीक है ऋग्वेद आप बोल दो, यू आर टाइपिंग समथिंग, सो एनीवन हु वांट्स टू टेल मी के फर्स्ट स्टेप क्या किया प्लीज रेज योर हैंड। प्रथमेश सही है बट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। हर्ष टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, बोलो हर्ष। द फर्स्ट स्टेप व्हिच आई डिड वाज कन्वर्टेड cos स्क्वायर a इनटू cos 2a, लाइक इट वाज 1 plus cos 2a is equal to cos yes. square a, so cos square a is equal to 1 plus cos 2a upon बस बस समझ गया। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट हर्ष, गुड। देखो तो गाइस मैंने आप लोग को ना, देखो मैंने आप लोग को ना कभी भी स्क्वायर वाली चीज को फैक्टराइज करना नहीं सिखाया हूं, मैंने स्क्वायर वाली चीज को फैक्टराइज करना नहीं सिखाया अब तक, है ना। तो वेरी गुड, 1 plus cos 2, तो आपने ये देखा है ना, मैंने आपको बताया था 1 plus cos थीटा, या फिर मैंने आपको ये एक याद करवाया था, ये 1 plus cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos square theta, और 1 plus sin, sorry, 1 minus cos 2 theta क्या होता है guys, बोलो, 2 sin square theta, तो हम यूजुअली ना 1 plus cos या 1 minus cos के देख के ऐसा लगाते हैं, बट ये भी याद रखो कि उल्टा भी यूज है इसका, और उल्टा ज्यादा यूज है एक्चुअली, आप देखोगे ना उल्टा थोड़ा है ना वो आगे जाके यूज आएगा इंटीग्रेशन वगैरह में, इंटीग्रेशन में बिल्कुल बहुत यूज होगा उल्टा, इतना मैथ्स में जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना, फिजिक्स में भी पढ़ चुका होगा बट उल्टा नहीं किया होगा या व्हाटएवर, तो है ना ये, तो cos square को आप है ना डबल एंगल में लिख सकते हो, है ना ये, तो कैन यू नॉट राइट दिस cos square a as 1 plus cos of 2a by 2 according to the first thing, है ना ये, cos square theta को 1 plus cos double theta by the whole by 2 लिख सकता हूं ना, है ना ये, राइट। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखो, क्योंकि मुझे cos square को फैक्टराइज करना नहीं आता, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगा ना वो 1 plus cos 2b by 2 बनेगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो बनेगा 1 plus cos of 2c by 2 बनेगा, प्लस इसके आगे कुछ है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा समझो, है ना, कुछ तो है, समझ में आ रहा है गाइस क्या है, तो ये है ना 1 plus 1, तो अब क्या हो गया ना, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लिखे आप ऊपर 3 लिखो, और प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c वाला प्रोसेस चालू कर दो, cos 2c सॉरी, प्लस आगे जाके कुछ और भी है ना, वो छोड़ो उसको बाद में देखेंगे, है ना। सो गाइस ये करके है ना, है हाँ, अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, क्योंकि अब मुझे इसको करने आता है cos 2a plus cos 2b, तो बात इतना सिर्फ इतना था कि स्क्वायर cos स्क्वायर को डबल एंगल में और डबल एंगल को cos स्क्वायर में लिखने, दोनों तरीके से आने चाहिए आपको, बोथ द वेज यू शुड बी डूइंग। अब ट्राइंगल है तो 3 plus 2 cos a plus 2a plus 2b by 2 cos a plus b, cos of a plus b जो है ना a plus b plus c is equal to 180 degree, तो cos c plus cos d is 2 cos a plus b by 2, 2a plus 2b by 2 cos a plus b बनेगा, a plus b को minus cos c लिख सकता हूँ बस डायरेक्टली, है ना, और cos of a minus b लिख दिया। अब cos 2c को accordingly half angle में convert करूंगा, तो accordingly करने के लिए मैं 2 cos square c minus 1 लिखूंगा, I hope this is clear,
क्योंकि इधर cos c जनरेट हुआ है तो मैं sin c नहीं हुआ है तो इसको मैं 2 cos square c minus 1 लिखूंगा प्लस कुछ तो कुछ तो है यहाँ पे है ना राइट नाउ गाइस लिसन ये 3 minus 1 तो 2 बन गया इधर भी 2 है तो काटो ना ये 3 minus 1 जो 2 बना था उसको डिवाइड करके 1 बन जाएगा प्लस इन दोनों में से 2 cos c कॉमन ले लो तो इधर बचेगा cos ऑफ c और इधर बचेगा क्या बचेगा प्लस कॉमन लिया ना तो माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी करेक्ट गाइस सही है परफेक्ट हाँ प्लस एक्स्ट्रा टर्म जो भी बचा हो तो मैं लिख रहा नहीं हूँ है ना दिस इज वन प्लस टू टाइम्स कॉस ऑफ सी इंटू अब ये कॉस सी का क्या करूं सेम सी को 180 माइनस ए प्लस बी लिखूंगा कॉस 180 माइनस समथिंग इज माइनस कॉस ऑफ अरे सॉरी सॉरी cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos ऑफ a प्लस b हो जाएगा अब एक्चुअली वो चेंज होने ही वाला है माइनस cos ऑफ a माइनस b प्लस व्हाटएवर इट इज ये माइनस माइनस को बाहर निकालो इट बिकम्स 1 माइनस 2 cos ऑफ c अच्छा 2 भी कट गया पता है क्योंकि 2 2 कॉमन लिया था 2 कट गया है गाइस 2 नहीं है क्योंकि 2 आपने काटा है 3 माइनस 1 को 2 बना के काटा है तो ये दोनों का भी 2 2 काटेंगे ना हम तो 2 की जरूरत ही नहीं एक्चुअली तो 2 1 माइनस cos c आ गया अब इसमें से माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकाला तो अंदर cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b दिस बिकम्स 2 cos a cos b एंड गाइस यहां पे जो टर्म था वो यही था बट पॉजिटिव में मतलब बेसिकली यहां जो बन गया वो उसी का नेगेटिव बन गया अब मैं लिख रहा हूं ये टर्म क्योंकि कटने वाला है अच्छी बात है तो आंसर इज वन मतलब प्रोसेस कुछ नहीं है प्रोसेस इज एकदम सेम बस सिर्फ फर्स्ट स्टेप ये था कि cos स्क्वायर को ये लिखना है क्लियर गाइस इसको मैं आपको याद करने बोलूंगा ठीक है प्लीज रिमेम्बर दिस इसकी वैल्यू 1 आती है cos स्क्वायर सी ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी प्लस 2 cos ए cos बी cos सी की वैल्यू 1 आती है ये आप सबको याद करना है प्लीज रिमेम्बर दिस If A plus B plus C is 180 degrees, या फिर in triangle ABC, एक मतलब है, same ही almost. ठीक है? ठीक है? अब देखो मैं आपको next question देता हूँ. वो कितना अच्छा question है देखो. चलो तो ये क्या है डू दिस क्वेश्चन इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 120 डिग्रीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए कॉस बी Try to find the value of this. Karo, it's a very good question. Do this, guys. Ho jaye to, type karo.
Yes. So people are saying 3/4, 5/4. 5/4. Kedar, then 3/4. Pata nahi. Let's see. थ्री बाय फोर इज द करेक्ट आंसर. थ्री बाय फोर वाले कोई भी आपका माइक अनम्यूट करो. थ्री बाय फोर वाला कोई भी अपना माइक अनम्यूट करो और आंसर दो. हाँ हर्ष, एक सेकंड. यस हर्ष बोलो. सब आप सेम क्या सर वो क्या किया सर. कॉस स्क्वायर ए कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन प्लस कॉस 2a/2. So 1 plus cos 2a/2 is 1 plus cos 2b/2. सिर्फ cos 2 ही में दिख गया ना. ठीक है, ओके फाइन. ठीक है, लेकिन मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब. और कोई एनीवन एल्स? ये मेथड तो है ही है ना. मेथड नंबर 1 में लिख के छोड़ रहा हूँ सिर्फ. cos स्क्वायर a को 1 plus cos of 2a/2 लिख दिया. cos स्क्वायर b को 1 plus cos of 2b/2 लिख दिया. बाकी फैक्टराइज किया और क्या. cos a cos b उसके बाद तो आपने इसको फैक्टराइज किया है ना. और फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं. ओके यस, लेट्स सी व्हाट प्रथमेश इज सेइंग. यस प्रथमेश, सॉरी मैंने हाथ रेस लोअर कर दिया आपका. वापस रेज योर हैंड करो. वापस जस्ट रेज योर हैंड प्रथमेश, जस्ट रेज योर हैंड वंस मोर. हाँ one second. Yes Pradhamesh, tell me, what did you do? Bolo. Pradhamesh, are you there? Similar process, same thing, but okay. Sir. Haan bolo. मैंने वो cos square b को है ना 1 minus sin square b करके किया. और फिर मैंने 1 minus फिर मैंने cos square minus sin square b का formula apply किया. ठीक है, still something else. पूर्णा आप वही किया, factorize तो कर रहे हो ना. मैं एक line में solve करूँगा, एक line में. एक सेकेंड हर्ष, मैंने एक बार ये किया हुआ आपको, तो आई कम बैक टू यू व्हेन अदर्स आर ओवर. श्रेयस बोलो क्या डाउट है. क्या है श्रेयस बोलो. हेलो सर. बोलो बोलो. हेलो. हाँ यस हेलो. बोलो. फिर मैंने कॉस ए और कॉस बी को भी इसमें कर दिया, डिफैक्टराइज कर दिया, जिससे कि आपने सही भी आंसर निकाला है, मेथड भी सही है, बट मैं थोड़ा सा और स्मार्ट मेथड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. योर मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, गुड वन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग सम स्मार्टर, मोर स्मार्टर मेथड. यस आर्यन टेल मी. नो शिवान. नो. यस आर्यन. एक सेकेंड. cos square a plus cos square b को a plus b whole square common cos square नहीं 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 आ सकता है. आप जरूरी नहीं है, आपका आंसर भी आ सकता है maybe इससे, but not something which I am expecting. guys अब सुनो, देखना ठीक है, यू विल बी सरप्राइज्ड. ठीक है, मैंने इससे पहले क्या याद करने बोला था, एक आइडेंटिटी याद कराया ना मैंने इन ट्राइंगल एबीसी. क्या होता है रिजल्ट है ना. क्या क्या है वो रिजल्ट. cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल प्लस 2 cos a cos b cos c की वैल्यू क्या होती है 1. अच्छा a प्लस b अगर 120 डिग्री है ना, a प्लस b अगर 120 डिग्री है, तो a प्लस b अगर 120 डिग्री है तो आप स्मार्टली c को 60 डिग्री लो और ट्राइंगल कंप्लीट कर दो.
स्मार्टली आप सी को 60 डिग्रीज लो और ट्रायंगल कंप्लीट कर दो और रिजल्ट लिखो जो आपने रटा हुआ है. cos square a plus cos square b plus cos square c plus 2 cos a cos b cos c की वैल्यू 1 होती है. रिजल्ट रटा हुआ है. इसमें से आपको जो चाहिए वो तो cos square a plus cos square b लिखेंगे. cos square c c 130 60 डिग्रीज है. cos 60 हाफ होता है तो cos square 1 by 4 हो गया. प्लस टू कॉस ए कॉस बी कॉस 60 हाफ होता है इक्वल टू 1. ये कट गया. जो टर्म्स बच गए वो आपका कोई आंसर है. आंसर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4 विच इज 3. कैन देयर बी अ मेथड विच इज शॉर्टर देन दिस? बोलो. समझे? राइट. यस. नहीं तो इसको ये सब चीजें मैंने क्या बताया था आपको कि याद रखना है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं काम आ जाती है. और जब आपको एग्जाम में जेई में अब जैसा ये चीज आप लोग में से किसी ने शायद नहीं किया है ना. राइट. राइट. और अगर आपने एग्जाम में अब 2 साल बाद आपका लेवल काफी बढ़ चुका होगा. ठीक है. राइट. और ऐसी चीजें जब एग्जाम में आप करके आओगे ना जिससे बाकी लोग देख के बोलते अरे वाह क्या मेथड था यार. है ना. आई कैन सी द कमेंट्स. है ना. वो जैसे आप अगर ये सब करके आओगे ना तो आप एग्जाम में रेस में आगे बढ़ जाओगे. ठीक है. राइट. तो ये सब चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए एग्जाम में. लेकिन होती नहीं है. बट 2 साल बाद ऑफ कोर्स हो जाती है. बिल्कुल हो जाती है. ठीक है. राइट. यस. नो आई एम जस्ट सेइंग कि ए प्लस बी अगर 120 डिग्रीज है तो ए प्लस बी पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल तो जरूरी नहीं है. लेकिन वो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 के लिए मैंने प्रूफ किया था. है ना. एक रिजल्ट ये वाला रिजल्ट. ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है? ए प्लस बी प्लस सी को 180 के लिए ट्रू है. अच्छा ट्राइंगल भी छोड़ो. मैंने इस रिजल्ट के लिए मैंने क्या बोला था? ए प्लस बी प्लस सी 180 है तो ये प्रूव हो जाएगा. ट्राइंगल जरूरी नहीं है. ट्राइंगल के एंगल्स नेगेटिव नहीं हो सकते. बट ए प्लस बी प्लस सी में आंसर नेगेटिव हो सकता है. एनीवेज बट दिस इज ट्रू इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्रीज. तो ए प्लस बी अगर 120 है तो अपने मन से सी मान लो ना. आपको दिख रहा है कितना प्रॉपरली फ्रेम क्वेश्चन है. क्योंकि यहाँ पे 2 cos a cos b cos c आता है और मैंने आपको सिर्फ cos a cos b पूछा हो तो वो 2 और हाफ कैंसिल हो रहा है एक्चुअली. है ना. करेक्ट ना. हाँ. तो मैंने कौन बोला आपको कि ए और बी को ट्राइंगल ही लेना है? मतलब ट्राइंगल ए बी सी को ए प्लस बी प्लस सी 180 ले लो. देखो ए प्लस बी प्लस सी 180 डज नॉट नेसेसरीली मीन इट्स अ ट्राइंगल. देखो अगर ट्राइंगल है ना तो ए प्लस बी प्लस सी 180 पक्का होगा ही. लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी 180 है तो ट्राइंगल जरूरी नहीं है. अगर ये नेगेटिव हो गया तो माइनस 30 डिग्रीज. ये 30 ये हो गया लेट से 70 डिग्रीज और ये बचा कितना 140 डिग्रीज. तो लो होता है ये भी 180. है ना. तो ये जो मैंने चीज प्रूफ किया था ना वो मैंने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 के लिए प्रूफ किया था. दो मैंने ऊपर इन ट्राइंगल एबीसी लिखा था लेकिन मैंने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 के लिए प्रूफ किया था. है ना. ये राइट. मतलब ए और बी और सी मिला के 180 कैसा भी बन रहा हो अगर वो तीनों पॉजिटिव एंगल्स है अक्यूट है या जो भी है तो ट्राइंगल भी बन जाएगा. है ना. जरूरी नहीं है. है ना. ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डज नॉट नेसेसरीली इंप्लाइज दैट एबीसी आर ट्राइंगल का पार्ट. ठीक है. राइट. हाँ लेकिन ट्राइंगल है तो पक्का ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा. तो मैंने ये प्रूफ किया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 के लिए. छोड़ो ना वो तो सही है. तो मैं अगर ए प्लस बी अगर 120 है तो सी को 60 लेता हूँ और ए प्लस बी प्लस सी 180 बन गया. ट्राइंगल को भूल ही जाओ. और ए प्लस बी प्लस सी 180 के लिए हमेशा ट्रू होता है. फॉरगेट द ट्राइंगल. ठीक है. क्लियर. अब दो एक मजेदार क्वेश्चन देखना आप. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन है ये. बट आप लोग कर लोगे. है ना. मुझे पता है ये इजीली कर लोगे. बट देखा जाए इसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है. इसका थॉट प्रोसेस इज वेरी गुड. ठीक है. वेट लेट मी सी. वन सेकंड गाइस. इसका थॉट प्रोसेस इज वेरी गुड. लेट मी सी वेयर द क्वेश्चन इज. हाँ मैम. इन ट्राइंगल ए बी सी द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ बी माइनस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 sine of c by 2 is a
बी सी एंड डी. माइनस कॉस ए माइनस कॉस ऑफ सी टू साइन स्क्वायर सी बाय टू माइनस कॉस टू साइन स्क्वायर ए बाय टू माइनस कॉस ऑफ सी. Two sine square c by two minus cos. Correct. Do this. Fast, ha? Jaldi karo. And I suggest don't look at the photos that I have sent you. Ah, options more than one are correct. Okay. Acha, maine B or D option same diya. Okay. Sorry, sorry. B or D option same diya na. So cos A plus cos C. Okay. Sorry. Sorry. अच्छा एक और चीज आप इसमें वन भी ऐड कर दो वन या नहीं. ठीक है ठीक है ठीक फाइन. लेट्स कीप दिस क्वेश्चन एट दिस. Purna, you are saying the answer is okay. Wait. Correct. Correct, Purna. Correct, Sanika. Correct, Prathamesh. Yes, Viva. नहीं लक्ष्मी थोड़ा सा गलत. हाँ तो जो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो पिछला आपने किया हुआ है ना result उसको मत देखो, है ना, क्योंकि वो आपको याद नहीं रहने वाला आजकल में, है ना. ऐसा एक क्वेश्चन किया आपने cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. ये इन ट्राइंगल एबीसी एक किया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको जस्ट रीअरेंज कर दोगे तो आपको आ जाएगा, आपको आ जाएगा मतलब कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा. उसको सिंप्लीफाई करके आप ये दोनों इजीली निकाल सकते हो बस ही. ठीक है, बट गाइज लुक एट दिस, आपने ऐसा कुछ किया है ना cos of a plus cos of b plus cos of c is equal to 1 plus 4 times sin a by 2 into sin of c by 2. ले जाए ना तो बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली. ठीक है गाइस लिसन, किस में? इन ट्रायंगल एबीसी में, है ना, या a plus b plus c 180 में. बेटर ये होता है कि ये याद करें कि इफ a plus b plus c is 180 degrees, ठीक है. इसमें ट्रायंगल भी आ गया, नॉन ट्रायंगल एंगल्स भी आ गए. ए नेगेटिव बी पॉजिटिव करके भी आ जाता है 180, या फिर तीनों पॉजिटिव होगा तो भी नॉन ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल एंगल से भी 180 बन सकता है. इन इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 180 डिग्रीज cos a plus cos b plus cos c is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. इस चीज को रट लो, है ना. तीन चीजें याद कराया मैंने, कौन से? sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 1 plus is equal to 4 sin a sin b sin c. एक दूसरा दूसरा क्या याद कराया मैंने बोलो. दूसरा मैंने याद कराया हूँ क्या था, हाँ cos square plus cos square plus cos square is equal to 2 plus 2 cos 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 is equal to 1 in triangle ABC, है ना. और तीसरा ये cos plus cos plus cos is equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin, है ना, ये 1 plus आता है. ओके सो गाइज मुझे ये बताओ, अगर ये cos भी इधर है और माइनस ये वाले टर्म इधर लेके जाओगे तो आंसर 1 माइनस cos a माइनस cos c होगा ना. ए ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि 1 नहीं दिख रहा ना ऑप्शन में. ये ऑप्शन में 1 किधर है? अभी 1 माइनस कॉस ए को अगर तो आपने 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 लिख दिया तो ये आंसर आ जाएगा.
और 1 माइनस कॉस सी को आपने 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 लिख दिया तो ये आंसर आ जाएगा। ये 1 है आप उसके साथ भी मिक्स कर सकते हो, उसके साथ भी मिक्स कर सकते हो, समझ में आया? तो ये अगर रट लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ठीक है, आपने अगर इसको याद कर लिया तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली आ जाएगा ये क्वेश्चन, है ना, राइट। तो इसको जस्ट रीअरेंज करके आ जाएगा कॉस बी माइनस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 इज इक्वल टू, ये गया 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉस सी। अब ये 1 नहीं इसलिए ये मैच नहीं होगा, 1 माइनस कॉस ए मिक्स करोगे तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस कॉस सी मिक्स करोगे तो 2 साइन स्क्वायर, है ना, ये बन। दिस इज वन मेथड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर किसी ने ये याद नहीं किया, वैसे तो याद कर लो बेटर है, बट बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम लोगों को याद होता है, ऑफकोर्स टॉपर्स ही होते हैं वो, ओके, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि अच्छा जो टॉपर होते हैं उनको याद हो जाता है, ऐसा नहीं है ना, राइट। तो आप लोग अगर आप देखोगे कि इसको करना कैसा है सॉल्व, ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है, मतलब ये आना चाहिए, इससे आपकी स्किल्स बनेंगे सॉल्व करने की। तो मुझे मुझे बताओ ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसा करोगे? अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो कॉस बी माइनस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और साइन सी बाई 2 से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? व्हाट इज द मेथड? गाइस जब आप LHS से RHS जाते थे तो फैक्टराइज करते थे ना, तो अभी हम इसको डीफैक्टराइज करेंगे, ये पूरी बड़ी सी चीज को हम डीफैक्टराइज करेंगे, डीफैक्टराइज कर करके हम रिजल्ट यूज करेंगे। ये क्या दिया हुआ है, इफ a plus b plus c is equal to 180 degrees दिया है ना, तो लेट अस स्टार्ट डीफैक्टराइजिंग दिस एंड रीच आवर आंसर। cos b minus, अच्छा इसमें से जो 2 sin c by 2 अलग करता हूं और 2 sin a by 2 sin b by 2, 2 sin sin का डीफैक्टराइजेशन याद आ रहा है गाइस, वो होता है cos of the difference minus cos of the sum। समझ में आ रहा है गाइस ये क्या किया गया? मैंने इधर मैंने डीफैक्टराइज किया cos of a by 2 minus b by 2 minus cos of a by 2, डीफैक्टराइज किया मैंने 2 sin a by 2 sin b by 2 को, समझ में आया ये, राइट। अभी मैं वही यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा बोलो, इधर इसको क्या लिखूंगा, a by 2 plus b by 2 को मैं 90 minus c by 2 लिखूंगा, तो ये cos का sin बन जाएगा, समझ में आ रहा है? नाउ गाइस लिसन, तो cos b minus 2 sin c by 2 into cos of a minus b by 2 whatever this is, ओके और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 साइन सी बाय 2 इंटू, अच्छा कॉस ए प्लस बी बाय 2 क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाय 2 90 माइनस सी बाय 2 नहीं हो जाएगा, फिर से साइन सी बाय 2 हो जाएगा ना, साइन सी बाय 2, समझ में आ रहा है? तो ये 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2 तो बन गया अपने आप, ठीक है चलो, है ना। अब देखो कॉस ऑफ बी माइनस, अरे अब इसको क्या करें, ये c है ना, c को क्या लिखूंगा मैं, 2 sin c by 2 को 90 minus a plus b by 2 लिखूंगा, तो ये लिखूंगा cos of a plus b by 2 into cos of a minus b by 2, समझ में आया? प्लस ये बन गया 2 sin square c by 2, ये तो ऑप्शन में है, इसको डिफैक्टराइज करो गाइस, 2 cos something just defactorizes, again defactorize, very good। So you will get this to be equal to cos of b minus cos of b minus cos of a, ये मिलेगा आपको, देख लो, ठीक है? तो जैसे ये कट गया and the answer of this question is 2 sin square c by 2 minus cos of a, ये नहीं? Right, अब आप 2 sin square c by 2 को अगर cos c के टर्म्स में लिखते हो तो वो 1 बचेगा और 1 इसके साथ मिक्स होके ये c ऑप्शन भी आ गया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, आई एम गिविंग यू इनफ टाइम, इसको अच्छे से समझ लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। उल्टा मेथड डीफैक्टराइजेशन, ये क्वेश्चन याद रखना है, इट्स अ टफ क्वेश्चन, ओके गाइस। तीन चीजों को डीफैक्टराइज करने भी सीख लिया, लो जब तीन चीजों को फैक्टराइज करने सीख लिया तो डीफैक्टराइजेशन भी सेम प्रोसेस है एकदम। ओके चलो
चलो आई विल एंड द मीटिंग नाउ. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके चलो टेक केयर. सी यू गाइस. बाय.